Assalamu alaikum viewers, this is Danish Razai. You're watching Physics Learning with DR. Yesterday we get started chapter number 8, that is about waves. Today we are going to derive another relation, that is Laplace correction. इससे पहले कल हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन की डेरिवेशन क्या थी और उसका रिजल्ट क्या आया था और उसमें ड्रॉबैक क्या थे. आज उस ड्रॉबैक को एड्रेस करने के लिए एक और साइंटिस्ट लैपलास था जिसने उस न्यूटन के डेरिवेशन में जो कि उसने आइसोथर्मल प्रोसेस कहा था उसको करेक्शन की. करेक्शन उसने क्या की, उसने कहा कि कंप्रेशन के दौरान जो हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है. यही से उसने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट की. तो हम भी आज यहीं से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल. तो लैपलास करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, असम्पशन क्या है, ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट रिमेन सेम. कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान पिछले वीडियो में मैंने एक विजुलाइज करवाया था वेव से कि हमारा टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन आती है, उसमें चेंज हो जाता है. कंप्रेशन में ज्यादा होता है, रेयरफैक्शन में कम हो जाता है. ठीक है जी. तो इसने यही पे यही बात की कि हमारे पास ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन न्यूटन ने कहा था कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और न्यूटन की यही गलती थी और लैपलास ने को एड्रेस किया. इसने कहा कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है. तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन. तो पहले हमने पढ़ा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन लैपलास ने कहा कि PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू द कांस्टेंट. अब ये गामा क्या है, गामा स्पेसिफिक CP बाय CV की रेशियो है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर हम इसकी रेशियो लेते हैं तो हमारे पास गामा आता है और गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए डिफरेंट होती है. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम बाद में डिस्कस भी करते हैं. तो अब इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. सो पी वी रेज टू द पावर गामा, अभी वही कॉन्सेप्ट, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा. तो हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, पी प्लस डेल्टा पी का चेंज लाया इसमें, तो वॉल्यूम में चेंज आया. वी पहले था और उसमें चेंज आया माइनस वी. ठीक है जी, माइनस डेल्टा है तो हमने इसको एक्सपेंड कर लिया. अब यहां से मैंने वी को कॉमन लिया क्योंकि उसकी पार गैमा है, तो ये वी रेज टू द पावर गैमा आ जाएगा. बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे है. यहां से वी कॉमन लिया तो वन माइनस डेल वी बाय वी रेज टू द पावर गैमा आ गया. अब ये वी गैमा से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी एक्सप्रेशन जो है फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगी. ठीक है, ये क्यों किया हमने अभी आपको आइडिया हो जाएगा. अब ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसको सॉल्व करने के लिए मैं बायनॉमियल एक्सपेंशन हम मैथ में यूज करते हैं वो रीयूज करेंगे. ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई टर्म है जिसकी जिसमें आपके पास x 1 प्लस x और उसकी पावर कुछ है, वैल्यू है, तो इस एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन, जो कहते हैं कि 1 प्लस nx प्लस n इनटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. हमारे पास जो यहाँ पे n है वो हमारे पास गामा है और x की जगह पे माइनस डेल्टा v बाय v है. हम इसको एक्सपेंड करते हैं, हम इस वाली एक्सप्रेशन को बायनॉमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करने जा रहे हैं. तो पहले 1 ऐसे ही आ गया, एज इट इज आ गया हमारे पास. फिर n हमारे पास r है तो r आ गया, गामा आ गया हमारे पास. ठीक है, और x की जगह पे हमारे पास माइनस डेल्टा v बाय v आ जाएगा. अब चूंकि हायर ऑर्डर टर्म में हमारे पास डेल्टा वी वाली टर्म आएंगे, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो और छोटी वैल्यूज हो जाएगी, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे. तो हमारी फर्दर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाती है. तो हमारे पास इस वाली एक्सप्रेशन को जब हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन से सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं. 1 माइनस डेल वी अपॉन वी रेशो पर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल वी बाय वी. अब ये जो इस वाली एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है इसको मैंने इस एक्सप्रेशन को मैंने 2 कह दिया और इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, तो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी. यहां से गामा वी रेज टू द पावर गामा हमने कैंसिल कर दिया इसके साथ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफाई हो गया. वो क्या बना, पी ऐसे ही आ गया, पी प्लस डेल्टा पी ये भी एज इट इज आ गया. अब इसकी जगह पे हमने क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसके इक्वल आया, तो मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल वी अपॉन वी. अब मैंने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म की सिंपल, पी इंटू 1 पी आ गया, पी माइनस
गैमा पी डेल डी बाय डी, अब प्लस डेल पी ये से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस गैमा डेल, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की। अब चूंकि डेल पी और डेल पी दोनों ही बहुत छोटी वैल्यूज हैं, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास फर्दर छोटा जो है वो आंसर आएगा, तो इस वजह से हमने इस वाली टर्म को पूरी वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया। जब हमने इसको निगलेक्ट किया तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये पी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास इस पूरी एक्सप्रेशन में दो एक्सप्रेशन बच गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इस वाली एक्सप्रेशन को मैं इधर जब मूव करूंगा तो ये प्लस हो जाएगी, यानी कि गामा पी डेल पी बाय पी और डेल्टा पी ऐसे ही रहेगा। अब अगेन हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो वो कहता है सरप्रेस ओवर स्ट्रेन, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो पी डेल पी बाय डेल पी बाय वी आ जाएगा हमारे पास। तो हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे, यहाँ से मैं गामा पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल वी बाय वी। और अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये ई के इक्वल आ रहा है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कि ये ई के इक्वल है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसका मीडियम क्या है। तो अब हमने ये जो ई की वैल्यू डिराइव की है वो बेसिकली गैमा पी के इक्वल है, इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आता है कि नहीं आता। इसमें गैमा जो है वो क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर जो है वो डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए गैमा की वैल्यू 1.41 होती है, प्रेशर एसटीपी पे ये होता है, डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ द एयर 1.29। ये वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ये वाला आंसर आया 332, और हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये जो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। तो जो लैपलास ने हमारे पास अजम्पशन ली कि हमारे पास ये जो कंप्रेशन के दौरान हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि चेंज होता है, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वो ठीक थी, और उसी अजम्पशन की बेस पे हमारा ये वाला रिजल्ट डिराइव हुआ, यानी कि 333 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। तो लैपलास की जो अजम्पशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, न्यूटन ने गलती की थी, उसने आइसोथर्मल प्रोसेस कहा था, हालांकि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं था, ये एडियाबेटिक प्रोसेस था। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि गैमा की वैल्यू क्या होती है डायटोमिक के लिए, पॉलीटोमिक के लिए, मोनोटोमिक के लिए, तो सिंपल याद रखिएगा मोनो डायटोमिक और पॉलीटोमिक, ये वैल्यू याद रखने के लिए सिंपल सा सोल्यूशन, मैंने कैसे याद रखा था इसको, मोनोटॉमिक के लिए 1.67 है, ये 1.41 है, ये 1.29 है, तो जो मोनो है उसमें एक ही एटम होगा तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो डायटॉमिक है वो इन दोनों के दरमियान है, कि पोली की वैल्यू सबसे कम है, पोली में ज़्यादा एटम है उसकी वैल्यू सबसे कम है, मोनो में एक एटम है तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप निमोनिक्स बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैपलास करेक्शन। कल हम देखेंगे कि इसका जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, प्रेशर का जो है वो इफेक्ट क्या होता है, डेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ये हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह